जय हिंद दोस्तों। आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती 2022 डॉक्यूमेंट को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। यहां पर देख सकते हैं आज ही का यह पेपर है, सभी पेपर में यह खबर भी दिया गया है। अग्निवीर भर्ती यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, धर्म प्रमाण पत्र अभ्यर्थी का संशय खत्म। दोस्तों धर्म प्रमाण पत्र को लेकर अभ्यर्थी इधर उधर भटक रहे हैं, अब आपको भटकने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोस्तों सेना भर्ती कार्यालय द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि जो अभ्यर्थी अपना जाति प्रमाण पत्र ले जाते हैं उसी से दोस्तों आपको सब कुछ हो जाएगा। अलग से आपको यहां पर देख सकते हैं अब अलग से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों सभी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे, क्योंकि यहां पर जो भी जानकारी मिलने वाली है बिल्कुल सही और सटीक, वो भी लाइव प्रूफ के साथ। दोस्तों यहां पर देखिए आपको किस से प्रमाणित सर्टिफिकेट लेकर जाना है, क्योंकि आपका मन में काफी डाउट भी होता है, तो यहां पर देख सकते हैं वह सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। जो धर्म प्रमाण पत्र यानी जाति प्रमाण पत्र, दोस्तों देखिए यहां पर क्या लिखा है, जाति प्रमाण पत्र में यदि धर्म का उल्लेख है तो अलग से धर्म प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। दोस्तों जो अभी मुजफ्फरपुर में भर्ती चल रहा था तो कल आपको काफी युवा इधर से उधर भटक रहे थे जाति प्रमाण पत्र को लेकर, लेकिन अब आपको स्थापित है कि जो आपको अनुमंडल से अंचल से जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं वह मान है, उसी पर आपको भर्ती ले लिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों अलग से आपको प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। जाति प्रमाण पत्र में उसका उल्लेख नहीं होने पर सरपंच के धर्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। दोस्तों अगर आपका जाति के उसमें उल्लेख नहीं है तो आप सरपंच से भी बनवा सकते हैं। सरपंच के लेटर पैड पर नाम, पिता का नाम के साथ जाति धर्म का उल्लेख कर जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। धर्म प्रमाण पत्र इसलिए आवश्यक है क्योंकि सेना के जवान सर्वोच्च बलिदान के लिए तैयार रहते हैं। शहीदों को अंतिम संस्कार के लिए सेना का धर्म जानना अनिवार्य है। दोस्तों जब कोई भी जवान शहीद होते हैं तो उनके जो आपको जाति से आते हैं उसका सम्मान दिया जाता है, उसी विधि विधान से आपको सेना सब कुछ करती है, इसीलिए यहाँ पर धर्म प्रमाण पत्र भी खोजा जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए जाति प्रमाण पत्र SDPO या DM का होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं आदिवासी को भर्ती में 7 सेंटीमीटर तक हाइट छूट होता है। दोस्तों आदिवासी इलाके में 7 सेंटीमीटर के छूट होता है, जिसके कारण यहाँ पर SDO और DM के यहाँ पर दोस्तों जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं सेना भर्ती में जाति के आधार पर छूट के लिए जो प्रमाण पत्र आप देंगे वह DM कार्यालय की ही मान होगा, जबकि भर्ती में शामिल होने के लिए SDO के जारी जाति प्रमाण पत्र भी मान होगा। यानी दोस्तों आपको अगर छूट चाहिए तो DM से ही होना अनिवार्य है, अगर नहीं चाहिए तो SDO का भी आपको जाति प्रमाण पत्र मान होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको चरित्र प्रमाण पत्र यानी दोस्तों करेक्टर सर्टिफिकेट के मन में जो डाउट है यहाँ पर दे दिया गया है। अग्निवीर के लिए 2 तरह के चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य है, एक तो SP अथवा ASP, ASP और SP कार्यालय से जारी होना चाहिए और दूसरा सरपंच से भी जारी प्रमाण पत्र बनवाना होगा। यानी दोस्तों दोनों आपको यहाँ पर बनवाना है, देख सकते हैं अथवा SP या ASP से होना चाहिए और सरपंच से भी होना चाहिए तो आप इस भर्ती में जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आवासीय प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाएं, यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र की तरह अग्निवीर भर्ती के लिए आवासीय प्रमाण पत्र भी 2 जगह से बनवाना होगा। अनुमंडल अधिकारी के यहाँ से बनवाया गया आवासीय प्रमाण पत्र भी मान है, इसके अतिरिक्त सरपंच से भी आवासीय प्रमाण पत्र आप बनवा कर जा सकते हैं। दोस्तों सब कुछ साफ साफ यहाँ लिखा गया है, सिर्फ आपको जानना बेहद जरूरी था इसलिए यह वीडियो लेकर आ गया। दोस्तों अविवाहित प्रमाण पत्र के यहाँ पर देखिए आपको लिखा है, आप अपनी पंचायत के सरपंच से अविवाहित प्रमाण पत्र बनवाएंगे, सरपंच अपने लेटर पैड पर नाम, पिता का नाम साथ यहाँ लिखेंगे कि यह अविवाहित है। तो दोस्तों आपको यह सब कुछ जानकारी जानना था इसलिए मैं बता दिया। दोस्तों 80,000 युवाओं ने इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराए हैं, यहाँ पर लास्ट में आप देख भी सकते हैं, कोई फेक वीडियो नहीं है। तो दोस्तों आप सभी के लिए यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें, और कोई भी सेना भर्ती से जानकारी चाहिए तो कमेंट भी हमें कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। जय हिंद, नमस्कार।